किसानों की कर्ज माफी को लेकर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का बड़ा बयान, कहा किसानों की कर्ज माफी हुई तो राजस्व को होगा नुकसान। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में हिजबुल का मोस्ट वांटेड जहूर ठोकर समेत 3 आतंकी मारे गए, सर्च ऑपरेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी नहीं थमा राफेल विवाद, एससी में सरकार के बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा सीएजी को तलब करेगी पीएसी, कांग्रेस का सीएजी रिपोर्ट को लेकर सरकार पर निशाना। राजस्थान में टूटा सचिन पायलट का सीएम बनने का सपना, अशोक गहलोत को मिली राजस्थान की कमान, सचिन पायलट चुने गए डिप्टी सीएम, राहुल ने कहा ये नेतृत्व पार्टी को आगे बढ़ाएगा, जनता की इच्छाओं को करेगा पूरा। और पाक उच्चायोग से गायब हुए 23 सिख यात्रियों के पासपोर्ट खोने से पैदा हुआ गंभीर सुरक्षा खतरा, सभी को रद्द करने की तैयारी में विदेश मंत्रालय, पासपोर्ट खोने की शिकायत करने वाले ये सभी 23 यात्री भी उन 38 यात्रियों में शामिल थे जिन्हें पाकिस्तान की ओर से जारी किया गया था वीजा। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।